ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने आज बर्फी को बास्केट में डाल लिया है। इसकी डालने की वजह ये है कि आज हम मार्केट जा रहे हैं, बर्ड मार्केट। तो आज संडे का दिन था, मैंने कहा बर्फी को यहाँ पर बास्केट में डाल लूँ और इसे संडे मार्केट ले जाऊँ। यहाँ पर हमने दो फिंच के मेल भी ले लिए हैं, इनके हम चेंज करवा के यहाँ पर दो फीमेल ले आएंगे। अब मैं जो भी बर्ड लेकर आऊँगा आपको आके दिखाता हूँ, और बर्फी को मैं बास्केट में क्यों लेके जा रहा हूँ वो भी मैं आपको आकर ही बताऊँगा। यहाँ पर बर्फी अभी वापस आ चुकी है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम बर्फी को मार्केट में क्यों लेकर गए हैं, वो भी अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा जब तक वो काम मेरा पूरा नहीं हो जाएगा। तो अभी बर्फी के चलते आगे हम डव के यहाँ पर बेबी अभी यहाँ कुछ दिन में निकल जाएंगे और आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ 2 या 4 दिन रहते हैं कि इनके यहाँ पर बेबी यहाँ इनके एग से निकल जाए, क्योंकि इनक्यूबेट करते अभी यहाँ पर 12 डेज या 13 डेज हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और अब आपको दिखाते हैं हम मार्केट क्यों गए थे। हम मार्केट लेके गए थे 2 व्हाइट ज़ेब्रा फिंच के मेल, और हम वापस लाए हैं 2 फॉन ज़ेब्रा फिंच के फीमेल, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 2 मेल तो पड़े थे। तो हमने सोचा कि हम इनके लिए ना जो 2 मेल हम तो बस लेकर गए थे व्हाइट ज़ेब्रा फिंच के, उनकी जो एक्सचेंज करवा के यहाँ पर 2 फॉन की फीमेल ले आए, तो हमें ये वाली फॉन की ज़ेब्रा फिंच की फीमेल मिल गई थी। तो मैंने अब क्या कर लेते हैं, हम जल्दी से एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम इन्हें यहाँ काफ़ी टाइम लाया और रख लिया, इन्होंने पैनाडोल वाला वाटर पी भी लिया जल्दी से। अब क्या कहते हैं इन वाले यहाँ पर हम एक यहाँ पर ज़ेब्रा फिंच लेते हैं और एक व्हाइट वाली वहाँ से लेंगे हम ज़ेब्रा फिंच, तो वो पूरा पेयर बना के यहाँ छोड़ देंगे और एक वाला पेयर हम वहीं रहने देंगे और एक वाला पेयर हम उसी तरफ रहने देंगे। चले हम क्या कर लेते हैं यहाँ से पहले फीमेल यहाँ डाल देते हैं। देखिए ये वाली फीमेल हमने यहाँ पर पकड़ ली है, अब इसे हम वहाँ डाल देते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी फीमेल, आप जल्दी से उस पर जाते हैं और मेल निकाल लेते हैं वहाँ से। अब यहाँ से एक मेल पकड़ लेते हैं, तो उस वाली फीमेल के साथ हम यहाँ डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये वाला मेल यहाँ पर पकड़ लिया फिंच का बिहार से जाता है। कहीं से यहाँ पर छोड़ दिए, अभी देखें दोनों साथ आके बैठ गए। अभी थोड़ी सी फिंच वहां उससे बजी से डर रही है। ये व्हाइट वाला यहाँ जो मेल फिंच है ये नहीं डर रहा बजी से, क्योंकि अभी नीचे रह के आ चुका है बजी के साथ काफी टाइम तक। ठीक है हम दोनों आके साथ बैठ गए हैं। यहाँ जो एक फीमेल रह गया है ना, इसे इसके साथ मेल के साथ लगा देते हैं। मैंने अब इस फिंच को यहाँ पकड़ लिया, और आप देख सकते हैं मैंने उसके साथ छोड़ दिया। अभी वो थोड़ी सी परेशान हो गई है कि वो एक नई जगह पर आ गई है। अब देखे मैंने यहाँ पर इन्हें ऊपर उठा के वापस रख दिया अपनी प्लेस पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो जो नीचे बेबीज थे ना, यहाँ पर एक वो सामने वाला और एक ये रहा पीछू थर्ड, तो इनको मैंने ऊपर डाल दिया है। उसके साथ वो वहाँ पर ब्राउन वाला उसको भी यहाँ सबको ऊपर कर दिया है और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर खाने की बास्केट लगा दी है। बाकी यहाँ पर ये सारे अपने अपने पेयर बना के बैठे होते हैं, जैसे यहाँ कैमरा पास आता है तो ये सारे डर जाते हैं सिर्फ इस वाले फीचर के अलावा। ये हाँ ये वाला फीचर थोड़ा स्पेशल है, इसके बारे में मैं आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो साथ ही साथ इनका जो ये वाला बेबी था यहाँ पर ये बड़ा हो चुका है, अभी खुद बाहर बैठता है खाना बाहर बैठते हैं यहाँ पर ऊपर सीट पर, और ये उड़ता भी है बहुत अच्छी तरह। अच्छी बात यह है कि अभी तक इन मेल फीमेल ने अभी तक इस बच्चे को मारना नहीं शुरू किया, और साथ साथ ये अभी इसने खाना खाना शुरू नहीं किया, इसे अभी तक खाने ये खिला रहे हैं। ठीक है मैं उठा लेता हूँ। इसका सबसे पहला काम क्या है, यहाँ मेरे हाथ से भागना, और मैं हाथ से उड़कर यहाँ पर जा चुका है और इसने अपने जाके केज पे बैठना है। ठीक है आपसे कौन मिलने आया आज इतने दिन बाद मोटा, इसे भी देखते हैं अगर केज किसी केज पे जाना चाहता है तो इसे बिठा देते हैं। देखें यहाँ डब वाली साइड पर आके बैठ गया। आप देखें जैसे हम यहाँ से कैमरा दूर करेंगे इसने कोई ना कोई शरारत शुरू कर देनी है।
और सेम यहाँ पर चिपू गए, चिपू भी देखे यहाँ पर फिंचर से केज पे आ गया, उन्हें डरा रहा है ऊपर से आकर, और जैसे हमने कैमरा लेके हटे उसने शरार शुरू कर दिया। अभी ये ये देखें, वो देखें केज के यहाँ पर जालियों को पकड़ रहा है और साथ साथ इस टेम्परेचर मॉनिटर को भी यहाँ पर तंग कर रहे हैं, इसे गिरा देगा अगर हमने इसे रोका नहीं। और चिपू को भी इसके पास लेके जाते हैं, देखते हैं चिपू ये क्या करते हैं समोसा, अगर हम इन्हें ज्यादा पास लेके गए तो देखेंगे इससे ज्यादा दोनों पास नहीं आ सकते एक दूसरे के, क्योंकि आपको पता है अगर इन्हें ज्यादा पास ले तो क्या हो। चलिए हम आपको मिलते हैं इसके साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।